उनको नक्सली खालिस्तानी पुतानी कहा गया। उनका दोष यह था कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आपको भी अगर अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो विश्वास कीजिए ये लोकतंत्र है, यहां संविधान है, यहां लड़ाई तलवारों बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। आज पुलिस आपको लाठी मारे गोली मारे, आज आप पुलिस के जवाब नहीं देंगे, लेकिन सरकार पे दिखा देंगे कि क्या तो वर्दी चाहिए या फिर अर्थी चाहिए। आज आपको ये भी देखना है कि जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई मुख्यमंत्री, आज वो ये भी बताएं कि वो बहनों के सम्मान में क्या कर रहे हैं। क्या वो 11 महीनों से सड़कों पे सख्ती हुई परेशान होती बहनों के दर्द को नहीं सुनना चाहते? यहां वर्दी बहने हमारे भाई भी लोग खड़े हैं, क्या अपने हक की मांग करना? अगर आपको जो लोग नौकरी में सेवा में फोर्स में अगर आपकी 6 महीने की तनख्वाह रोक ली जाए और आपके बच्चे रोटी रोटी के लिए भूखे मरने लग जाए, उनकी पढ़ाई उनकी फीस न जमा हो, उनके पास कपड़े न बचे, तो आप अपने हक अधिकार के लिए क्या करोगे? है जवाब आपके पास? अगर आपको अपनी बहन की शादी करानी हो, सरकार आपको तनख्वाह के पैसे ना दे, आपको अपने बच्चे का इलाज कराना हो, अपनी माँ का इलाज कराना हो, अपने बूढ़े पिता को सर्दी में कपड़े लेके देने और आपको ये सरकार तनख्वाह ना दे, तो क्या करोगे आप लोग? ये नौजवान सुनर की नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये अगर लड़ रहे हैं तो वर्दी के लिए लड़ रहे हैं, देश में बलिदान देने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आज इनके बीच में आज में हूँ क्योंकि मैं एक नौजवान हूँ और मैं नौजवानों का दर्द समझता हूँ, मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूँ, मैं पढ़ लिख के MBA 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 MCA करके PhD करके सड़क से घूमते बेरोजगार का दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, मैं जानता हूँ बेरोजगारी का दर्द क्या है। और इस महंगी शिक्षा में किस तरह हमारे माँ बाप, यहाँ जो बैठा रहा वो अमीर नहीं है, अगर अमीर होता तो वो इस क्लर्क की नौकरी के एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए सड़क पर नहीं होता। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, ये वो लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। 10% पूंजीपतियों ने देश पे कब्जा कर लिया, हम समझ भी नहीं पाए ये देश जो है हर व्यक्ति कर्ज में डूब गया है। ये है हिंदुत्ववादी सरकार का हल। और यहाँ जो लोग बैठे उनमें से कितने लोग जो है मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, और कितने सफादत हिंदू है, ये भी आप अपने आप से सवाल पूछो। अगर ये सरकार हिंदुओं की शिक्षा भी नहीं सुननी, उनका दर्द भी नहीं सुननी, तो क्या ये हिंदुओं की सरकार है? नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की सरकार है, और इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, इनको अगर देश भी बेचना पड़ जाए तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैंने तो कल कहा, कल शाम मैंने लिखा कि नौजवान देश की रीढ़, सरकार को चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, रोजगार उत्पन्न करे, रोजगार तैयार करे और उड़ने का मौका दे नौजवानों को, खुल के जीने का मौका दे, उनको अपने अवसर प्रदान करे कि वो आगे बढ़ के देश की तरक्की में योगदान करे टैक्स से। लेकिन आपने नौजवान को दिया क्या पिछले 7 साल में? बेरोजगारी, सुसाइड, लाठियां। जब हक के लिए लड़ना था तो लाठियों से पीटते हो, जूतों से पीटते हो, क्यों ये किसी दूसरे देश के लोग हैं क्या? चाहिए आपके बच्चे नहीं है। और अगर अमीरों को गरीबों से इतनी नफरत है तो लिखो कि बहुत कम समय बचा है गरीबों के पास, आप गरीब हक की लड़ाई के लिए सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है, अब अमीरों को अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेने चाहिए, अब गरीब किसे रुकेगा नहीं, अब गरीब ज्यादा दिन मांगेगा भी नहीं, क्योंकि जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार की इंतहा हो जाती है तो फिर क्रांति जन्म लेती है। और आज इस धरती से क्रांति जन्म लेगी जंतर मंतर की धरती में। और आप जानते हैं मुझे गवाही नहीं देनी, ये देश बलिदान का देश है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भाई हैं, बच्चे हैं, युवा जाग चुका है। हम
शहीद आजम उधम सिंह के बच्चे हैं, हम शहीद आजम सरदार प्रताप सिंह सुरंगा के बच्चे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम सरदार पटेल के बच्चे हैं। हम इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान ले सकते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। सरकार को सरकार छोड़िए। मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि बात कर लो, गृहमंत्री क्या कहते हैं, वो नौजवानों को उनका हक देना चाहते नहीं देना चाहते, वरना फिर हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हमारी लड़ाई पुलिस फोर्स से दोबारा बता रहा हूं नहीं, प्रशासन के लोग लाठियां खून बजाएं, लेकिन आज आर्य पार आज फैसला होकर रहेगा कि नौजवान